हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ जयगढ़ किला, तो चलते हैं। इतना दूर आने के बाद मुझे देखिए, पता नहीं यहाँ पे मैप चार्ट किन्हीं का है जो मुझे मिला है। वैसे दोस्तों, ये ब्लॉग जो है वो पिछला ब्लॉग का दूसरा पार्ट टू है। ये पहले ब्लॉग में हमने आमेर पैलेस के बारे में बताया था, अभी दूसरा पैलेस हम जयगढ़ पैलेस के बताएंगे। नज़ारे देखिए, अभी हमने ऊपर चढ़ा भी नहीं। और देखिए दोस्तों, आपने अगर मेरा इससे पहले वाला ब्लॉग नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा और बहुत ही मज़ा लगा इस ब्लॉग में। दोस्तों, जयगढ़ किला राजस्थान की राजधानी जयपुर के गुलाबी शहर में चील का तेला नामक पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। हाय दोस्तों, अब मैं पहुंच चुका हूं यहां जयगढ़, और यहां की टिकट है 150 रुपये। और यहां पे अंदर एक सबसे बड़ी खासियत देखने के लिए है, वो है दुनिया का सबसे बड़ा तोप है जो देखने के लिए है यहां पे, और एक बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब हम आ चुके हैं यहां पे अंदर, और अब मैं आपको यहां के बारे में कुछ बताते हैं जो यहां की हिस्ट्री है, तो यहां पे क्या क्या देखने के लिए है सारी चीज़ें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे आने के साधन। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आप अगर ट्रेन से आते हैं तो जयपुर स्टेशन आपको लोकल रेलवे स्टेशन पड़ेगा। उसके बाद आप वहाँ से मेट्रो ले सकते हैं, और मेट्रो से फिर आपको बड़ी चॉपर से आपको बस मिल जाएगी, रोडवेज बस भी मिल जाएगी और एसी बस मिल जाएगी, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। और अगर आप टैक्सी से आना चाहते हैं तो आप टैक्सी से भी आ सकते हैं, जहाँ से जयपुर रेलवे स्टेशन से करीबन 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पे हैं। और आप जयपुर के लिए नई दिल्ली, अहमदाबाद, उदयपुर, बड़ौदा, कोटा, मुंबई जैसे शहरों से आप बस से आ सकते हैं। और अगर आप हवाई जहाज द्वारा आना चाहते हैं तो यहाँ का नियर हवाई अड्डा सांगानेर हवाई अड्डा है, जिसकी दूरी वहाँ से 25 किलोमीटर है, जो करीबन 1 घंटे की दूरी लग सकती है। दोस्तों, एक्चुअली ये भूल भुलैया है ऐसा कहा जा रहा है, बट क्या है पता नहीं। अब हम आपको बताते हैं जयपुर जाने का सबसे अच्छा समय। और यहाँ पे गर्मियों में तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है, यहाँ गर्मी के मौसम अप्रैल से जून तक पड़ती है। जयगढ़ किला जाने के लिए सबसे अच्छा समय बसंत ऋतु है, या फिर सर्दियों के महीनों के दौरान यानी सितंबर से मार्च तक होगा, क्योंकि यह समय जयपुर शहर की छुट्टियों को आनंद लेने के लिए विभिन्न स्थलों पर सैर करने के लिए एक आदर्श जगह है। इन महीनों में दिन काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन रात में 4 डिग्री सेल्सियस से कम ठंड पड़ती है। अगर आप इस समय जयपुर आ रहे हैं तो अपने साथ ऊनी के कपड़े ले लें। और यहाँ मानसून का मौसम जुलाई से सितंबर तक होता है, लेकिन जयपुर में माध्यम से कम बारिश होती है। जयगढ़ किलों के तीनों किलों में सबसे ज़्यादा मजबूत किला यह है, और यह किले कभी भी किसी बड़े प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। यहाँ जो दुनिया में सबसे बड़ी तोप स्थित है, इसका केवल एक बार परीक्षण किया गया। यह किला शहर के समृद्ध में अतीत बताता है। दोस्तों, मैं आपको बंदर दिखाता हूँ यहाँ पे, जो काला मुंह वाला बंदर होता है ना, वो देखिए कितने छुप के बैठे हैं। एक्चुअली मोबाइल छीनने के लिए जैसे आप जाएंगे ना, तो मतलब आगे आप मोबाइल करेंगे उसको फोटोज वगैरह लेने के लिए, तो मतलब झप से छीन के भाग जाते हैं। दोस्तों, तो आप अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ बंदर काफ़ी सारे होते हैं, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें, फ़ोन का। उन लोग फ़ोन छीनते हैं यहाँ पे, ऐसा हो चुका है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना आपको। चलते हैं थोड़ा ऊपर, और भी इससे ज़्यादा ऊपर, देखने में वहाँ पे व्यूज शायद काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लोग वहाँ जा चुके हैं। वैसे यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, इसकी वजह है क्योंकि 100 रुपये की टिकट वहाँ पे लगती है, उसके बाद वापस से आपको 150 रुपये की टिकट यहाँ पे लगेगी। दोस्तों, यहाँ भी जो सबसे आगे सामने आपको दिख रहा है, यहाँ पे पूरा मतलब फ़ोटोज वगैरह लेते हैं, ये सेल्फी पॉइंट है। यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं क्योंकि यहाँ से देखने में काफ़ी सुंदर सा व्यू है। यहाँ सेम एक और भी सेल्फी पॉइंट है, दूसरी साइड देखिए ये वाला, और इधर एक यहाँ पे गार्डन सा है, यहाँ पे जाने का अलाउड नहीं है।
तो अभी चलते हैं उस पॉइंट पे, आपको दिखाते हैं वहाँ से कैसा लगता है देखने में। ये देखिए काफ़ी सुंदर लगता है, ये सबसे हाइट पॉइंट है, मतलब यहाँ का सबसे ऊंचा जगह। और यहाँ खिड़कियों को बड़ा सुंदर बनाया गया है, यहाँ देखने में बड़ा ही अच्छा लगता है। ये देखिए वाव। और ये कठपुतली वगैरह नचाते हैं, सुंदर से एक आम का पेड़ जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ जब भी आए तो मतलब एक मतलब ग्रुप में आए तो ज़्यादा अच्छा लगता है घूमने में, क्योंकि सेल्फीज़ फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और दोस्तों ये है दुनिया का सबसे बड़ा तोफ, एशिया का सबसे बड़ा तोफ माना जाता है ये। इसकी जो रेंज है करीबन 35 किलोमीटर रेंज है इसकी। एक और है महाराष्ट्र में जो मतलब इससे लंबाई तो ज़्यादा है लेकिन इतना पावरफुल नहीं है। एक बार शायद इस तोप को चलाया गया था जहाँ पे ये तोप मतलब का गोला जहाँ पे गिरा था उस जगह, आज भी शायद पता चलता है कि वहाँ एक तालाब बन गया है, लेकिन वो जगह का नाम मालूम नहीं है। अगर मुझे पता चलता है तो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। और ये जो आपको सामने दिख रहा है एकदम सामने सा, ये जल महल है, जल महल। तभी हम एक दूसरे साइड से देखिए, उधर से हमने आए वो रास्ते से और अभी हम इधर से जाएंगे। वैसे ये जगह इतनी ज़्यादा दूर है कि मतलब लोग गाड़ियों से आते हैं, मतलब मैं तो पैदल आया हूँ काफ़ी देर में, करीबन 3 घंटे से मैं घूम रहा हूँ यहाँ पे, 3 घंटे से ऊपर हो चुका है। मैं करीबन 3-4 किलोमीटर तो चल चुका हूँ जब से आया हूँ मैं। और यहाँ पे आपको खाना, कैंटीन है ये, यहाँ पे खाना वगैरह ले सकते हैं। और ये है मतलब यहाँ पे आप कपड़े पहन के, राजस्थानी कपड़े पहन के फ़ोटो ले सकते हैं कुछ इस टाइप के, जो कि मतलब शायद 200 रुपये इसका चार्ज है आप अगर फ़ोटो लेंगे पहन के कपड़े, तो जो भी आपको ड्रेस पसंद आए आप पहन सकते हैं। और यहाँ पर शायद तोफ कारखाना वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है यहाँ पर जो कि पुरानी चीज़ें रखी हुई है, कोई मशीन वगैरह है। तो ये सब पहले ज़माने की ये सब सामग्री है, मतलब पहले इस तरह होते थे, पता नहीं क्या क्या बनाने की तकनीक। और यहाँ नीचे आने के बाद आपको फिर वापस से ये महल दिखेगा जिसके बारे में हमने ब्लॉग बना चुके हैं पहले वाले, इससे पहले वाला ब्लॉग ही मैंने बनाया था, आमिर पैलेस। दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आप इस रास्ते से सीधा जाएंगे तो आप किले के पास जा सकते हैं, जयगढ़ किला। और ये दूसरा रास्ता जो आपको दिख रहा है ये सीधा पैलेस के ऊपर जाएगा, जो पैलेस है। हाय दोस्तों, तो फाइनली मैं अब बाहर आ चुका हूँ और काफ़ी लंबा ब्लॉग बना ये, इसके लिए मुझे पार्ट 1 पार्ट 2 करना पड़ा। तो चलिए ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे आप नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों ऐसे ब्लॉग बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्च भी होता है, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करना यार। थैंक यू सो मच।